नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी, आज है दिन रविवार, यानी कि अनंत चौदस, यानी कि गणपति जी के जाने का दिन। और अच्छा तो नहीं लग रहा है गणपति जी को भेजते हुए, पर क्या करें, जो रीत है, जो रिवाज है, वो पूरे करने ही पड़ेंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हो रखा है मन में, जब कोई आता है ना मेहमान घर में, या कोई भी आता है और वो जब जाने के लिए बोलते हैं, तो वो जो एक अजीब सी फीलिंग आती है ना, वो वाली आई हुई। तो जितनी खुशी है उतना ही थोड़ा सा मन में अजीब सा भी फील हो रहा। तो चलिए, खैर कोई बात नहीं, जो है वो है। और बस आज उनके लिए अभी मैं बनाऊंगी भोग, क्योंकि पूजा करनी है उनकी। फिर से सुबह की दिया बत्ती हमने कर दी, लेकिन उनके जाने से पहले जो पूजा पाठ होती है उसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ ये सामान ले आए हैं उसके लिए, कुछ ये लड्डू हैं, ये सामग्री वगैरह है, और उधर फूल है, और ये बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, तैयार हुए नई नई ड्रेस में। इधर देख लो ना, उधर किसको देख रहे। और जी, मैंने डाली हुई है साड़ी, और इन्होंने जो कुर्ता डाला था वो पेट पर टाइट हो गया, तो इन्होंने निकाल दिया। इस पे सल्ले का है वो। तो जी, अभी मैं बना रही हूँ भोग। भोग में मैं बना रही हूँ राजमा, चावल, आलू गोभी, हलवा, पूरी और खीर। बाकी जो भगवान की कृपा होगी, जो इच्छा होगी, वो कर लेंगे। और जी, क्या बोलते हैं आप, आज गणपति जी के जो दर्शन है, हाँ, वो फ्रूट वाला आएगा तो ले लेंगे। तो गणपति जी के आज दर्शन करने का मौका है, इसके बाद गणपति जी अगले साल आएंगे। तो जी, बस मैं तो यही कहूंगी कि गणपति जी जा जरूर रहे हैं, लेकिन अपना वास जो है, अपना उपस्थिति जो है, हमारे घर में हमेशा बनाए रखें और सबका कल्याण करें। तो जी, बस कर रहे हैं काम अपना। और उधर भी बोल रहा है सबको, उधर भी बोल रहा है वो भी आएंगे, क्योंकि भाई ये छोटी मोटी बात नहीं है कि गणपति जी घर में आए और हम अकेले अकेले ऐसे कर ले। जब उनको लेके आए थे तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि सब आ पाए, अचानक से हमारा प्रोग्राम बना, अचानक से सारा कुछ हुआ, तो गणपति जी अचानक से आ गए। तो जी, चलिए मैं दिखा देती हूँ रसोई में थोड़ा सा सामान आपको। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने खीर के लिए दूध रख दिया है उबलने के लिए, राजमा उबाल दिया, चावल भी बो दिए, और गोभी काट दी यहाँ पे। और तड़का लगाना क्या, कोई बता फटाफट। नहीं, तड़का नहीं, मैं लहसुन प्याज नहीं डालूंगी, मैं जो सिंपल बनाना, क्योंकि भोग है। हाँ, तो जी बस कोई जरूरत है, बस मुझे एक तो आलू लेके आ जाइयो, आलू ला दियो, और पीयू को ले आओ। इतना बड़ा आलू खड़ा तेरे सामने, कम है। सब्जी बनानी है मुझे। अच्छा, तो जी चलिए, बस फिर चलते हैं, शुरू करते हैं आज की तैयारी। आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। तो जी चलिए, बस फिर शुरू करते हैं। तो जी देखे, आ गए हैं सारे के सारे, और खाना भी मैंने बना लिया, बस आटा रह गया। हेलो करो साधु।
लेडीज ही लेडीज है, जेंट्स कोई नजर नहीं आ रहा है। यो जेंट्स बच्चे, अरे ये तो बच्चे, जेंट्स मतलब आदमी नहीं है कोई भी। हाँ तो दीदी जी हराने लग रहे, भाभी और आंसू आ गई, और ये है दीदी जो हम ऊपर रहती है। हाँ जो मकान मालिक है ना, ये उनकी बहू है बड़े वाली, और ये भी आई हुए हैं। एक दो को और बुलाया है, वो तो पता नहीं किस टाइम आएंगे, तो बस अभी करेंगे जल्दी जल्दी से शुरू। अच्छा लग रहा सारा ना घर भरा भरा सा, पता लगे कि कुछ है घर में, जब सारे इकट्ठे से हो जाए ना तभी पता लगे कि कुछ है घर में। तो जी चलिए बस आगे आगे की जो भी प्रोसेसिंग है स्टेप बाय स्टेप आपको जरूर दिखाऊंगी। बोलो इधर तो देख मेरी तरफ, हेलो कर रहा, फेंक का मार रहा, देखो अच्छा अपने कपड़े दिखाइए मुझे, कृष्णा कुर्ता पजामा दिखा दे फटाफट मुझे अपना। ओए 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 गिर गया, देखो इधर आके दिखा मुझे अपना कुर्ता पजामा। अरे हेलो कर दे, चल तू अब जा। चोनी चोनी और ये बैठे मेरे लड्डू गोपाल। तो जी भक्त जनों सारा सामान हो गया है तैयार, गणपति जी भी तैयार हैं और सारे लाइन में लगा कर खड़े कि कब पूजा होनी शुरू हो गए। हाँ उन्हें भी देख लो, वे राहुल गांधी बैठे पीछे, वे भी राहुल गांधी जी जो है वे स्पेशल आए नियोते पर गणपति जी विसर्जन के लिए। नरेंद्र मोदी आ रहे, तो कल परसों उनका जन्मदिन था तो उन्होंने बोला कि मैं भी आऊंगा गणपति विसर्जन में। तो जी देखिए सब तैयार हैं, जिन्हें भी हमने बुलाया था सब आ चुके हैं, पूरा परिवार इकट्ठा है, और बस अब हम गणपति जी की पूजा करनी शुरू करते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
संत करे सेवा, जय गणेश जय जय गणेश देवा, माता जय पार्वती पिता महादेवा। गणपति बाप्पा, गणपति महाराज अभी भूल चूक हुई होगी, उसे माफ करियो। इन 8-10 दिनों में जितनी भी हमारे सकल की हुई हो उन्हें माफ करियो। अगले साल फिर से हमारे घर में आना, सुख संपत्ति लेके आना, सिद्धि सिद्धि साथ लेके आना, और जो भी गलती सलती हो उन्हें क्षमा करना, सबका कल्याण करना, सबके अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो गणपति महाराज की। भाई देख कहीं भी नहीं दीजिए, भाई यहीं खड़ा हो जाती तो पत्थर पर यहीं कहीं देख। अगे नहीं आना किसी को भी। गणपति बाप्पा।
लो जी गणपति बाप्पा चले गए हैं अपने घर और अच्छा भी लग रहा है। तो जी बस आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। उनके जाने के बाद थोड़ा सा खालीपन लग रहा, सुन्नापन लग रहा, पर कोई नहीं, मैं प्रार्थना करूंगी कि गणपति बाप्पा अगले साल जरूर से आना और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जो अगला साल है मैं उसमें बहुत अच्छे से गणपति जी को लेके आऊं। और बाकी ये सब है और पानी देखे कितना आ ही रहा है। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी वीडियो के आखिर में बस यही प्रार्थना है कि गणपति बाप्पा आप सबकी मुराद पूरी करें। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।